सर एक नंबर मूवी है सर, सर एक नंबर मूवी है, पहले बार से खतरनाक मूवी है सर। अरे कैसा लगा बोले रहा है, दिल खुश हो गया एकदम, मैं तो डांस कर गया हूँ। वो घर अजब परदेसी मजा लाया एकदम। सर इस बार तो हैंडपंप का भी बाप उखाड़ दिया सन्नी साहब ने, खंबाई टू गुड, इट वाज एग्जैक्टली व्हाट इट वाज 22 इयर्स अगो, वही केमिस्ट्री वही फिल्म। एक ये जो फिल्म था वो पारिवारिक फिल्म था और इसे फैमिली के साथ आकर हम लोग देख सकते हैं। जो गाया गया ये वाला जो था, बागों में फिर झूले पर गए पग गए अमिया मीठिया, ये वाला गाना सुन के फिर से वही लगा कि एक बार फिर से वही दौर 2001 में हम लोग पहुंच गए। जिस तरीके से फिल्माया गया है वो वाला सीन, एकदम ब्रेथ यहाँ तक आ गई थी, उठाया उठाया उठाया, दैट इट वाज अमेजिंग सीन, इट वाज अमेजिंग सीन। डेफिनेटली आई थिंक द लेगेसी शुड कंटिन्यू, और ये पार्ट भी बहुत लोगों को पसंद आया है, तो आई एम श्योर इट पार्ट 3 जो हम बचपन में उनको देखते थे 22 साल पहले, उन्होंने इस बार जो काम किया हार्ड कर दिया। सर एक नंबर मूवी है सर, सर एक नंबर मूवी है, पहले वाले से खतरनाक मूवी है सर। आप क्वेश्चन करते रहो, मैं सर जवाब देता रहूंगा। सर इस बार तो हैंडपंप का भी बाप उखाड़ दिया सन्नी साहब ने, खंबाई हेला। कोई ऐसा डायलॉग अगर मानना हो तो काफी अच्छा लगा। किससे आजादी दिलाएगा तू हमें, अगर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान में बसने का वापस मौका मिल गया तो तेरा पूरा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा आ जाएगा तुम लोगों के हाथ में, कटोरा दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, माई मेरे बच्चे भूख के मर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे भूख के मर रहे हैं, भीख मांगोगे तुम लोग, भीख समझे, खबीस के औलाद इंटरनेशनल भिखारी बन जाओगे मुसलमान के। तो नमाज पढ़ने जा रहा है ना, तो अल्लाह से यही दुआ मांगना कि मेरा पापे यहाँ ना आ सके, अगर मेरा पापे यहाँ आ गया तो तेरे इतने टुकड़े करेगा, इतने टुकड़े करेगा, इतने टुकड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान गिन नहीं पाएगा, खबीस की औलाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जब तक कायनात रहेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। आज ये पूरी पिक्चर खतरनाक फाड़ू फाड़ू पिक्चर है फाड़ू, और जो इसकी फाइट है श्री टीनू वर्मा जी की, जिन्होंने घायल घातक दामनी इससे पहले गदर की फाइट, क्या फाइट है उनकी, आज ये गाने भी खतरनाक, फाइट भी खतरनाक, इमोशनल भी खतरनाक। बहुत से एक्टर जो होते हैं ना आंखों में ग्लिसरीन डालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, फर्जी फर्जी आंसू, सन्नी साहब की, हमारे सन्नी साहब उनकी आंखों में बिना ग्लिसरीन डाले आंसू आते हैं, और इतनी मोटी मोटी आंखें, आंख निकालते तो आदमी का पेशाब जाम हो जाए। अभी तो सर 3 डायलॉग करा दिए, मेरा गला फट गया। 5 में से 10 दूंगा, फुल फिल्म चलनी चाहिए सर, गदर ये शोले और मुगले आजम की तरह चलनी चाहिए सर, पहले वाले से ज्यादा खतरनाक चलनी चाहिए। सुपर मूवी, मैं यही बोलूंगा कि सारे लोग जाके एक बार देखें, और सनी देओल काफी टाइम बाद आए हैं गदर लेके, तो प्लीज सनी देओल को देखें, और अनिल जी के बेटे का भी काम काफी अच्छा है, सब ने अच्छा काम किया। हाँ काफी अच्छा काम किया है उन्होंने, जितना भी पार्ट है उनका काफी अच्छा रहा है। वो जो एक सीन जो काफी चर्चा में रहता है हमेशा गदर के नाम पे, वो सीन कैसा लग रहा है कपड़े? यानी कि आप वही हैंडपंप वाला जो सीन है वही सीन वापिस है, बट कुछ नए तरीके से है, देखोगे तो मजा आएगा आपको। 5 में से मैं 4.5। अच्छा की पिक्चर, क्या कुछ था नया इस बार? बहुत कुछ आ नया, एकदम बहुत कुछ था। उत्कर्ष का एक काम कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा किया है, और सनी बाजी का काफी समय बाद पढ़ने पे बहुत बहुत अच्छा किया है। गाना कौन सा अच्छा लग रहा था पढ़े? सब गाना अच्छे गए। थैंक यू, ठीक है, रिपीट वैल्यू नहीं है, ठीक है बस। उत्कर्ष का काम कैसा लग रहा था? एवरेज ही था, एवरेज था। सनी बाजी का हैंडपंप वाला सीन वो बहुत अच्छा था, हैंडपंप वाला बहुत अच्छा था। जबरदस्त सर, जबरदस्त। कैसा था? मस्त।
सनी देओल, सनी देओल का मूवी बहुत ही अच्छा गया है गदर 2 जो है, और 22 साल के बाद रिटर्न ऑफ द बैक आया है, सो बहुत ही अच्छा और गजब का पिक्चर था। बहुत गजब, अब फादर के साथ अपने मतलब स्टंट को उन्होंने लॉन्च किया, ये सबसे बड़ी बात है और इंडस्ट्री को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, और वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते एज अ इंडस्ट्री को देखा जाए तो, बट पब्लिक का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस पिक्चर को, बहुत ज़्यादा। अमीषा पटेल और सनी बाजी बहुत एकदम बिल्कुल, मैंने कहा ना 22 साल के बाद फिर से वही लग गया कि एक बार फिर से रिटर्न ऑफ द बैक की पिक्चर्स आ गई है 22 साल के बाद फिर से एक बार, और एक पारिवारिक एक फिल्म, एक ये जो फिल्म था वो पारिवारिक फिल्म था और इसे फैमिली के साथ आकर हम लोग देख सकते हैं, जबरदस्त 5 में से 5 जबर हैंडपम्प एक बार आया, और फिर से उसका जो डायलॉग्स थे, जो रेटिंग्स थे, और वो जो गाने इसमें जो गाया गया, ये वाला जो था बागों में फिर झूले पड़ गए पग गए अमिया मिठिया, ये वाला गाना सुन के फिर से वही लगा कि एक बार फिर से वही दौर 2001 में हम लोग पहुंच गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। OMG देखना है, कैसा लगा? अरे कैसा लगा बोले रहा है, दिल खुश हो गया एकदम, मैं तो डांस कर गया हूँ, वो घर अजब परदेसी मजा लाया एकदम। आइकॉनिक सीन तो वो जब पाकिस्तान में जो वो क्या था ना, वो जो बैलगाड़ी का, वाह क्या मार था यार। उत्कर्ष काफी सीन है इस गदर 2 में, उत्कर्ष की एक्टिंग कैसी लगी, कैसा कलाकार है उत्कर्ष? एक्टिंग देखिए सब मस्त है, ऐसा कोई सीन नहीं है जो बोरिंग कर रहा है। आप अगर आपने देखी मूवी क्या आर्या भाई, आप देखे नहीं है तो क्या है, आपको देखना चाहिए, फास्ट शो है यार, देख लीजिए जल्दी, सेकेंड शो देख लीजिए, फास्ट में से फास्ट है, बाकी क्या रखना है इसमें, बाकी क्या है। यो वेलकम, हाँ पूरी फैमिली, जी 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 जी, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छी लगी, कैसी लगी सनी पाजी? बहुत अच्छी, गदर जी 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 गदर भी देखा था सर, जैसे कि बेसिकली हम बताएं कि गदर 2 इतने टाइम के बाद आ रहा है, बहुत अच्छी लगी और पूरे फैमिली के साथ आना चाहिए और गदर देखना चाहिए सर। बहुत अच्छी लगी, एक नंबर, बहुत अच्छी। हाँ उत्कर्ष नया अभी आया जो बहुत अच्छी एक्टिंग है सर, जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है सीन में दिखा रहा है, बहुत अच्छी है, सुपर सर। मूवी अच्छी थी एज इन ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज गदर 1 एक लव स्टोरी थी जिस मोर अबाउट फादर एंड सन, तो एक्शन बहुत प्यारा था नो डाउट, क्लाइमेक्स के बाद जिस तरीके से एक यू नो देशभक्ति वाली चीज़ जागी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया है। 71 का जो एरा था वो बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है, कलर कॉम्बिनेशन, कॉस्ट्यूम, ओ माई गॉड, आई मीन मैं पंजाब से ही हूँ तो जिस तरीके से जीते की कॉस्ट्यूम थी और मैं देख रहा था जीते को, आई वॉज एबल टू यू नो रिलेट विद हिम कि हाँ ऐसे ही होते हैं पंजाब के लड़के, तो जो पूरा एरा क्रिएट किया, जो कल्चरल ऑथेंटिसिटी थी वो बहुत ग्रेट थी। म्यूजिक वॉज गुड, एक आध गाना लेंदी लगा मेरे को बट इट वॉज गुड। एक आइकॉनिक सीन है जो हैंडपंप वाला सीन है, ओह ओह माय गॉड, उसमें तो जिस तरीके से फिल्माया गया है वो वाला सीन, एकदम ब्रेथ यहाँ तक आ गई थी, उठाया, दैट इट वाज अमेजिंग सीन, इसमें उत्कर्ष के काफी सीन है। आई मीन इट्स टू अर्ली टू से बट जब दाढ़ी उगने के बाद उनका बहुत अच्छा लुक आया था और उनकी एक्टिंग दिख रही थी, और उसके पहले थोड़ा बहुत था जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो थोड़ा बहुत लगा कि हाँ बहुत मोनोटोनस सा हो गया, बट अदरवाइज मुझे तो बहुत क्या लगता है गदर 3 आएगी? आई विश गदर 3 आए, बट तारा सिंह बहुत बूढ़े हो जाएंगे, 5 में से 3.5। थैंक यू सो मच, गदर 2 कैसी लगी? अमेजिंग, और इस साल की मुझे लगता है सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन किया गया है कि ना सिर्फ स्टोरी, एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन, म्यूजिक, और जो उनकी जोड़ी जो वापस से पर्दे पे आई है सनी सर और अमीषा मैम की, अमेजिंग, और सबसे बढ़िया जिसकी वजह से पूरा थिएटर झूम उठा था, सीटियां बज रही थी, तालियां बज रही थी, वो है इस फिल्म के डायलॉग, वाओ अमेजिंग सुपर्ब। हाँ वो जो हैंडपम्प का एक सीन है वहाँ पे,
उस सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया कि अमेजिंग, मजा आ गया। गदर 2 में उत्कर्ष के काफी सारे सीन है, एज एन एक्टर उत्कर्ष किस तरह, एज ए कलाकार किस तरह आपको लगे? कलाकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बाप तो बाप होता है ऑब्वियसली। सनी सर ने जो छाप छोड़ी है उनकी टक्कर का तो कोई नहीं था। सनी देओल, अमीषा पटेल, फिर से रोमांटिक रोमांस कैसा लग रहा था बड़े पट्टे? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन रोमांस 20% था, एक्शन 80%, और एक्चुअली फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे पूरा थिएटर फुल भरा हुआ था, तो एक्चुअली मुझे ऐसे लगा पर्सनली कि यहाँ लोग मूवी देखने के लिए नहीं आए, इमोशंस के लिए आए। 5/5। थैंक यू। देखिए गदर 1 देखी थी, वो अभी भी दिमाग से उतरी नहीं है, और आज गदर 2 पूरी तरह से दिमाग में चढ़ गई है। यस, कोई ऐसा आइकॉनिक मोमेंट, कोई ऐसा आइकॉनिक रिक्रिएट मोमेंट जो आप कहना चाहेंगे जो काफी अच्छा लगा हो बड़े पर्दे पे? मेन वही बात कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, वो डायलॉग में खून खोल उठता है। उत्कर्ष जो इनके बेटे का, हाँ, इनके काफी सारे टेक्स है इसमें। हाँ, ऐसे कलाकार कैसे लग रहे हैं? ऐसे कलाकार देखिए अच्छा लगा, पहले उसने एक्टर का रोल किया और राजेश खन्ना ने देवानंद का, और उसके बाद इस तरह का रोल किया तो बहुत ही अच्छा लगा। यस, अमीषा पटेल और सनी बाजी काफी सालों बाद रोमांटिक कपल दिख रहे, कैसा लग रहा है अब रोमांस उनका, कैसा लग रहा है? अब रोमांस में बहुत जो सुंदरता पहले थी वो नहीं है, और सनी देओल भी अब 67 के एज में है, तो कहाँ से वो लगेगा, वो एंग्री यंग में ही शोभा देगा, लवली में तो कहाँ से लगेगा, और अमीषा पटेल के भी एज दिखती है, उसने माकार जो रोल किया है वो अच्छी तरह किरदार निभाया। पाकिस्तान का जो शूटिंग एरियाज है, पाकिस्तान के जितने भी शॉट्स लिए गए हैं, कैसा लग रहा है, प्रेजेंटेबल कैसा लग रहा है? पर्टिकुलर जो लाहौर और रावलपिंडी और जो दिखाए ने जेल वगैरह दिखाया और जो सीन सीनरी दिखाया, वहाँ के झंडे, वहाँ का वातावरण, वो सब शूटिंग बहुत अच्छी तरह हुई है। 5 में से देखिए एक्शन मूवी है, इंटरटेनमेंट कम है, एक्शन बहुत ज्यादा है, और थोड़ी लंबी हो गई पिक्चर, अंत में धूम धड़ाका बहुत हुआ, इसके लिए उसको एडिटिंग की थोड़ी जरूर थी। मुझे मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई, जैसे 1 की एक लेगेसी कंटिन्यू की है, डायरेक्टर सेम है अनिल शर्मा, तो उनका डायरेक्शन एक बार फिर से बहुत ही बेमिसाल है, मूवी में बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, नजीब खान की, वो मूवी में भी नजीब खान की सिनेमेटोग्राफी थी। मुझे एक ही फ्लॉ लगा, थोड़ा रन टाइम 10-15 मिनट इजीली एडिट हो सकती थी, तो अशफाक मकरानी और संजय संखली की जो एडिटिंग है वो और 10-15 मिनट एडिट कर सकते थे, बट म्यूजिक ये मूवी में मिथुन का अच्छा है, वो मूवी में उत्तम सिंह का म्यूजिक था, 2-3 गाने उज्जा काले कावा और मैंने किलाओ गड्डी लेके बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, और ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, मतलब आप मिस नहीं कर सकते। उत्कर्ष के काफी सारे सीन इसमें, ही इज वेरी प्रॉमिसिंग, हाँ ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया, थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे कुछ सीन्स में, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आई थिंक ही कैन इम्प्रोवाइज एंड ही विल कम वेरी नाइस। सिमरत सिम वो तो हाँ, उन्होंने इतने सालों में इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन रखा, हमें लगा ही नहीं। देखिए उस वक्त मैं 22 को था, अभी 44 का हूँ, तो मैंने एक बहुत लंबा दौर देखा है, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं था, आज तो हाइप है ये मूवी का, बट उस वक्त भी इतनी कामयाब हुई 1, एंड टुडे आल्सो देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, पीपल वर एंजॉयिंग सो मच, तो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, डायरेक्शन इतना अच्छा है, और जैसे मैंने कहा सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, नजीम खान की डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, तो ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच। 15 जो अगस्त का मौका है, अपने मुल्क की शान को देखिए बड़े पर्दे पर। बहुत बहुत वो पेट्रोल, वो जो हैंडपम्प उखाड़ते हैं या इलेक्ट्रिक पोल उखाड़ते हैं, या उनका वो अग्रेसिव लुक आज भी बरकरार है, और सनी देओल का वो ऑरा आज भी है, वो देखने को मिलता है। डेफिनेटली आई थिंक द लेगेसी शुड कंटिन्यू, और ये पार्ट भी बहुत लोगों को पसंद आया है, तो आई एम श्योर इट पार्ट 3, आई विल गो विद 3.5 स्टार्स। आपकी आंखें मेरी आंखें नहीं हुई क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत एक नंबर डुपर लगी, सुपर डुपर, मतलब मुझे सबसे ज्यादा काम अच्छा लगा इसमें उनका जो बेटा है उत्कर्ष का, सन्नी पाजी का तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो फाड़ दिया उन्होंने, ठीक है, अच्छा लगा। देखो मैं बताता हूँ क्या था, जो हम बचपन में उनको देखते थे 22 साल पहले, उन्होंने इस बार जो काम किया फाड़ के रख दिया, मतलब सन्नी पाजी को जो 65 वाला जो जोश था ना, जो आज 65 के हो चुके हैं,
लग नहीं रहा, हमको भी फाड़ देंगे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सेम चीज थी, मतलब रोमांस था, मतलब जो केमिस्ट्री थी ना, सेम केमिस्ट्री, मतलब अभी कुछ चेंज नहीं आया केमिस्ट्री के अंदर अभी भी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा खैरियत, 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 सेम खैरियत ही, क्या गाना था, मतलब बहुत ही जबरदस्त, दिल छू गया मतलब वो गाना मेरा, सीरियसली यार। अरे हेडफोन उखाड़ने नहीं दिया, पाकिस्तान बह जाएगा, उखाड़ दिया तो वापस से। नॉस्टैल्जिया हो गया मतलब पूरा वो चीज देख के ना, हाँ नॉस्टैल्जिया हो गया पूरा, कहीं कहीं जगह पे इमोशन भी गया, वहाँ लिटरली आंसू आए थे, और कहीं जगह पे तो जोश जुनून होता अभी फाड़ दो ये सा। 5 में से 4 दूंगा मैं उसके एक्टिंग, यस। उसका रीजन ये है कि कुछ कुछ जगह पे वो कैरेक्टर छोड़ रहे थे, कुछ कुछ जगह पे स्टार्टिंग में, सेकंड हाफ में नहीं फर्स्ट हाफ में, उसके लिए मैं बोल, मैं पूरे 5 दूंगा उसको, एक्टिंग बड़ी लगी, पहले वो क्यूट लगते थे, 5 में से 5 बहुत मजा आया, ऑब्वियसली जरूर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, यस यस, और जल्दी आए, 22 साल बाद ना आए, जल्दी आए, थोड़ा ये नेक्स्ट ईयर आ जाए ऐसा, थैंक यू सर। गदर 2 कैसी लगी? आहा गदर 2 बहुत बढ़िया रही यार, मैं अभी रात को ना 3 बजे से 6 बजे तक का शो लगाया मैंने गदर फर्स्ट का वापस से, ताकि रिमेम्बराइज हो जाए, तो और वापस से आके देखा, उसके बाद ये देखा क्योंकि पुरानी चीज़ें वापस ताज़ा हो जाए कि उसके बाद वापस क्या पार, तो बड़ा एक्साइटेड था, फिर आया देखी तो अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा करीब से देखा तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो दिल को छू गया, रिक्रिएट हुआ है? रिक्रिएट इमोशंस, पहले भी डायरेक्टर साहब ने भी बोला है कि ना गदर है ना एक वॉर टाइप का नहीं है, वो एक इमोशंस है, और वो इमोशंस है दिल को छू जाता, तो पहली फिल्म में जितना था दूसरी फिल्म में भी उतना ही है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी लव स्टोरी हुई डेवलप, उसके बाद फिर लड़के की भी हुई, देन इंटरवल के बाद एक्चुअल में मजा आता था, फिल्म असल में तब चालू होती है जब सनी पाजी के एंट्री, और ये चक्र वाला सीन जब वो घुमाते हैं, पहली फिल्म अमिताभ बच्चन का देखा था ऐसा पोस्टर जो वो आज के अर्जुन में आते हैं, और आज के उसमें सनी देओल, तो भाई साहब मजा आ गया। हाँ दिया एक्चुअली बैलेंस किया है डायरेक्टर साहब ने, मतलब कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी उन्होंने, बैलेंस में मेंटेन रखा हुआ है कि कहाँ अपने बेटे को उत्तर देना और कहाँ सनी देओल का वाइब ज़्यादा रहना है, और नहीं तो मोस्टली ऐसा होता है कि अपने बेटे के इमोशंस के चक्कर में हीरो का कम हो जाता है, लेकिन यहाँ बराबरी का दिया है, इक्वलिटी, और कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि उत्कर्ष कम रहा है सनी देओल से या सनी देओल ज़्यादा रहा है, बाप बेटे का जो इमोशन है वो पूरा इम्पैक्ट करता है। अरे वो गाने जो है ना, मतलब मैं ना मिथुन को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसने गानों के बीट के साथ छेड़छाड़ नहीं की, पुराने गाने और पुराने सिंगर्स की आवाज़ में ही रखे, अलका याग्निक, उदित नारायण, आदित्य नारायण, उनके साथ में रखे, थोड़े बहुत म्यूजिक में चेंज, साथ ही जो यंगस्टर्स हैं उसकी लव स्टोरी में थोड़े से मॉडर्नाइज टच दिया है, तो वो भी काबिल तारीफ है क्योंकि वो सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ बाप बेटे का जो इमोशंस है, जो वो ना जब अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढते हैं गाने के साथ में और वो मिलते हैं, तो वो यार बहुत छू जाता है, क्योंकि मैं अपने फादर से शायद ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो वो शायद दिल को बहुत छू जाता है, तो बड़ा आंखों में आंसू आ गए थे। 5 में से 5 दूंगा यार। बने मैं तो चाहता हूँ कि फिर से, और भाई साहब सनी देओल फिर से होना चाहिए उसमें, सनी देओल ही जाना है असल में, और नहीं है तो कोई नहीं है फिर। थैंक यू सो मच सर। हाउ वाज द मूवी गदर? कैसी लगी मूवी? अमेजिंग मूवी, लव्ड इट, एवरीथिंग इज अमेजिंग, डायलॉग्स आर अमेजिंग, एक्शन इज अमेजिंग, एवरी परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक, एंड बस गदर 1 अगर आपने देखी रहेगी। हाँ जी, क्या ऐसी बातें जो काफी अच्छी लगी? 22 साल के बाद एक 2 डेकेड का गैप था, कोई ऐसा मोमेंट जो रिक्रिएट हुआ आपके माइंड में? द हैंड पंप सीन, उसकी वेट थी, बट चाहे वो नहीं उखाड़ा उसके बावजूद उसका जो डर था वो देखकर ही, इट वाज टू फुलफिलिंग, वेरी होलसम, बहुत मजा आया, स्पेशली मनीष वाधवा को देखकर बहुत मजा आया। हामिद, टू गुड, इट वाज एग्जैक्टली व्हाट इट वाज 22 इयर्स अगो, वही केमिस्ट्री, वही जो एक कॉमिक एंड वेरी स्लाइट रोम कॉम फील, absolutely amazingly captured. काफी स्क्रीन टाइम मिला। हाँ जी। ऐसे कलाकार उत्कर्ष किस तरह बढ़ के आ रहे, क्या कुछ करना चाह रहे हैं एक्टिंग के बारे में? He's looking adorable. He's very cute. Acting wise, very good. Sometimes वो लेकिन
Too good. उर्जा का निकामा, but खैरियत is no less. And मैं निकला गड्डी लेके तो उसमें everybody is dancing. You like to give to Utkarsh acting? 4/5. And overall movie? 100/5. Loved it. Okay, as an audience, do you want Gadar 3 to come? 100%. 100%. I'll wait. If I watch it 22 years later again, I don't think they'll disappoint me ever. Thank you, sir. कैसी लगी बड़े पर्दे पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फैमिली मेंबर जब मूवी में हो तो एक अलग ही वाइब मिलती है. बिल्कुल, डेफिनेटली मिलती है. और मूवी ही बहुत बढ़िया थी. सनी पाजी, मनीष जी, उत्कर्ष, अमीशा जी और सिमरत, एवरी वन वॉज सुपर गुड. और सबसे सर, मैं यहाँ पे इस बात को कट करूँगी, रिप्लेस नहीं किया. वो उनका कैरेक्टर अमरीश जी का था, उनकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता. यहाँ पे एक नया कैरेक्टर हामिद इकबाल को इंट्रोड्यूस किया गया. हाँ, तो आई होप आप सब लोग एज एन ऑडियंस उन्होंने कितना जस्टिस किया उनको बता पाए. तो आप अगर बताना चाहोगे अबाउट अमीशा एंड सनी पाजी रोमांस आपके 22 इयर्स. एक्चुअल मैं आपको सच बताऊं, जिन्होंने नहीं देखी होगी मूवी उनको लगा होगा ऐसा कैसे हो गया. बट मेरे को ये लगा, हम लोग ने मूवी बहुत बार देखी है, अमीशा ने और सनी पाजी ने इमोशंस को वहीं से उठाया है. मतलब वो फील ही नहीं हुआ कि वो कपल के अंदर थोड़ा भी चेंज है, 1% भी चेंज है. वो वही कपल लगा है और वो केमिस्ट्री उन्होंने वो पिकअप की है, वो उनके आँखों के इशारों सब कुछ वॉज माइंड ब्लोइंग. उत्कर्ष को काफी स्क्रीन टाइम दिया इसमें, एज अ कलाकार उत्कर्ष किस तरह उभर के आए? उत्कर्ष ने काफ़ी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. और सबसे अच्छी बड़ी बात मुझे ऐसे लगी, क्योंकि जब बचपन में वही बच्चा ने जीते का भी रोल किया था छोटे में भी, तो जो मासूमियत तब उसके चेहरे पे थी वो आज भी थी, क्योंकि बच्चा तो वही है, वो सिर्फ ग्रोन अप हुआ है, बच्चा वही है, मासूमियत पूरी वही है. और वो दिख रहा था, उसने अपनी आँखों से मासूमियत नहीं जाने दी, और वो बहुत अच्छी बात थी. आइकॉनिक मोमेंट वो तो रिक्रिएट हुआ, इतना मजा आया क्योंकि उसने तो कह ढा दिया ना, मतलब उखाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वो सिर्फ देखा और वो पब्लिक जो भागी, वो तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू अनिल जी, बहुत बढ़िया. मतलब उन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे क्रिएट किए जिनके लिए हम लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ वही सोच सकते थे. उन्होंने छोटी छोटी बातें, लालटेन, उनकी चूड़ियाँ और बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ों को पिकअप लिया, एलिमेंट उनके कंटिन्यू रखे, बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी को. Definitely. Definitely. Thank you so much. Thank you so